चेक कर लेना भाई, फ्लिपकार्ट पर काफी अच्छी डील आ रही है। सीन ये है, हमारे गांव में चलता है भाई जियो का 5G। भाई ये है अपना कुछ कलर, एल्पाइन ग्रीन इसका नाम है भाई कलर का। 4G ये फोन है और 4G की कहीं ना कहीं रिसेल वैल्यू आपको पता ही है खत्म होती जा रही है। गाइस एक बेटी हो गई, फिलहाल हमने फोन एक्सचेंज कर दिया 7,750 की जगह। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई एक और बढ़िया सी वीडियो में आपका स्वागत है। आज भाई वीडियो थोड़ा कंटेंट से अलग हटके है। आज बेसिकली होने क्या वाला है भाई, अभी मेरे पास कॉल आई है डिलीवरी बॉय जो भैया हैं अपने, वो भाई अपना कुरियर है, कुछ प्रोडक्ट है वो लेके आ रहे हैं। तो भाई मैंने अपने घर के एड्रेस पे मंगवा लिया था गांव में। तो भाई वो प्रोडक्ट क्या है, अभी एक ये फ़ोन है भाई मेरे पास, इसको भी मम्मी यूज़ कर रही हैं, तो बढ़िया फ़ोन है, कोई दिक्कत नहीं भाई। बैटरी वैटरी मैंने इसमें अभी नई डलवाई थी, ठीक है। तो ये मतलब 4-5 साल पुराना फ़ोन हो गया भाई, वैसे लगता नहीं है कहीं से भी देखने में। देखो गया भाई वीवो का है, ये फिंगरप्रिंट वगैरह पीछे था, 4000 उस टाइम पर कैमरे वैमरे आते थे, ठीक है। तो अब भाई सीन ये है, अब हमारे गांव में चलता है भाई जियो का 5G। अब उस वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है भाई, 4G ये फ़ोन है और 4G की कहीं ना कहीं रिसेल वैल्यू आपको पता ही है ख़त्म होती जा रही है एज टाइम इज पासिंग। अभी मैं फ़ोन देख रहा था अभी 3-4 दिन पहले, तो मेरे को फ़ोन ठीक लगा, तो मैंने सोचा यार अभी ये एक्स्ट्रा फ़ोन पड़ा हुआ है, दो दो फ़ोन काम करेंगे क्या। तो मैंने उठा के इसको, नीचे ऑप्शन आता है एक्सचेंज में फ्लिपकार्ट के थ्रू, भाई मैंने ऑर्डर किया है वहाँ पे। भाई मैंने एक्सचेंज में इसका मॉडल वॉडल नेम वेम सब कुछ डाला, इसकी स्पेसिफिकेशन डाली, इसकी रैम रोम। तो भाई इसकी मेरे को बहुत ही बेहतरीन इसकी वैल्यू मिल रही थी, मतलब अगर ये बिल्कुल ही डॉटलेस कंडीशन में है, बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसा है, एक भी स्क्रैच नहीं है, कुछ नहीं है, 8,800 तक इस फ़ोन के मिल रहे थे विद एक्सचेंज बोनस। बट भाई इसकी थोड़ी बहुत कंडीशन आपको पता नहीं होगा, मैं दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो इसके जो ये जिसके कॉर्नर्स हैं, ये भाई थोड़े थोड़े से बगैर कवर के यूज़ किया है, तो ये हो चुके हैं भाई बेकार। इस वजह से इसकी एक्सीडेंट की जगह मैंने इसको गुड कंडीशन में भाई सेलेक्ट किया है। अब इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 7,750 का ये फ़ोन हमारे एक्सचेंज में लग रहा है। उस फ़ोन की अगर मैं भाई वैल्यू की बात करूँ, वो 21,000 के आसपास का फ़ोन है, मिला जुला के भाई 150 के आसपास वो लेते हैं अपना, एक्सचेंज का चार्जेस होता है कुछ, तो ऑलमोस्ट 13,500 हमें भाई एक्स्ट्रा देने हैं, वो मैं ऑलरेडी मतलब मैं उसको पे कर चुका हूँ। तो अभी डिलीवरी वाले भैया आएंगे, कॉल आती है, फिर मैं आपको व्लॉग में बताता हूँ भाई ये फ़ोन कितने का लगाया नहीं लगाया। अगर भाई इसको इस रेट का नहीं लगाया जितने का उन्होंने बताया है, तो भाई फिर मैं इसको रिसीव नहीं करूँगा, इसको मैं फिर मना कर दूंगा और अपने पैसे वापस ले लेंगे, फिर इसी फ़ोन को हम चलाएंगे। तो भाई चलता हूँ और देखता हूँ भैया आ गए हैं नहीं आए। तो गाइस आ गए हैं भैया, कॉल आ गई है, ये वापसी जाएगा फ़ोन। मैं तो इसे फॉर्मेट करने में लग गया था, कवर तो जाएगा नहीं। गाइस एक बेटी हो गई, फिलहाल हमने फ़ोन एक्सचेंज कर दिया, 7,750 की जगह 8,450 की वैल्यू लग रही थी। अब देखते हैं भाई वो पैसे, 700 रुपये का कन्फ्यूजन चल रहा है, हमें मिलने हैं या हमें देने हैं। अभी भैया कॉल पे हैं, देखते हैं क्या बताते हैं। सब कुछ देख लिया, सब ऐप से चेक कर लिया। ये आ गया भाई, अभी सर करते हैं अनबॉक्स, देखते हैं क्या सीन है इसका। ये है अपना कुछ कलर, एल्पाइन ग्रीन इसका नाम है भाई कलर का, और अभी इसको करते हैं बूट, करते हैं भाई इसको। बाकी बॉक्स कंटेंट्स में भाई इसमें है एक 67 वॉट का चार्जर, देख लो सुपर वूक टेक्नोलॉजी भाई, 48 मिनट में फ़ोन हो जाएगा फुल चार्ज। बाकी उसमें एक होगा इसका बैक कवर, ये भाई सी केबल है जो कि है Type-A to Type-C, और ये सब कवर है, ये अपना लगाएंगे पीछे। जो कवर है वो भाई थोड़ा ऐसा हल्की सी क्वालिटी का दिया यार, पीले पड़ जाते हैं कुछ टाइम बाद कि फ़ोन हो रहा है अपना बूट। हेलो आ गया, ज़रा सेटअप कर दूँ मैं। तो भाई भैया तो चले गए हैं, बोल रहे हैं कि भाई फ्लिपकार्ट वालों से एक बार बात कर लेना, वही आपके पैसे वैसे देंगे। और एक बार भाई कस्टमर केयर को मैं बात करता हूँ कि ऐसे ऐसे 700 वाला सीन हो रहा है, ये क्या है, मतलब पैसे मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, क्योंकि उनके में -700 दिखा रहा है, और मतलब 7,750 का लगा था, फिर इसकी कंडीशन को देखते हुए भाई उन्होंने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया 8,450 के आसपास का, फिर हमारा फ़ोन लगाया तो वही 700 का डिफरेंस आ रहा है, तो वही वो कन्फ्यूज़न चल रहा था कि 700 वो देंगे हम देंगे। तो भाई कुल मिला के यही है कि नहीं देने हैं हमें, अब देखते हैं फ्लिपकार्ट हमें किस तरीके से देता है, क्या या तो क्रेडिट कार्ड में भाई वापसी कैशबैक की तरह देगा या क्या क्या सीन है वो देखता हूँ मैं। भाई फ़ोन इतना प्यारा है ना, मतलब इतना प्यारा लग रहा है ना यार, इन हैंड फील, कलर देख लो भाई आप,
कलर आपको जल्दी से ना, ये बहुत ही यूनिक ही कलर है ग्रीन कलर, और बिल्कुल डिस्प्ले वगैरह लेके है। अभी बस सेट ही कर रहा हूँ इसको भाई, फुल सेट कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ कैमरा वगैरह। तो भाई ऑलमोस्ट मैंने सेट कर दिया है फ़ोन। बाकी भाई फ़ोन की स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसी है, नाम इसका 12 प्लस 5G है, मॉडल नंबर ये है, ये इसका प्रोसेसर है भाई डायमेंसिटी मीडिया टेक वालों का 7050। बैटरी जो कैपेसिटी है भाई 5000 है। स्क्रीन साइज ये रहा, 8GB रैम है भाई, वर्चुअल है तो इसको आप बढ़ा सकते हो। कैमरा भाई इसका कुछ इस तरीके से एंड्रॉयड 14 पे बेस्ड है। बाकी भाई 120 हर्ट्ज़ इसका रिफ्रेश रेट है। कैमरा वगैरह मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ, मैं जस्ट इसको सेट ही कर रहा था। ये भाई कुछ इसका बैक कैमरा है, ठीक है भाई, और ये है इसका कुछ फ्रंट कैमरा। तो भाई फ्रंट भी काफ़ी मालूक लग रहा है, बस यार यही है एंड्रॉयड थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देते हैं, इसका थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा नेचुरल, वरना तो भाई ये मेकअप वेकअप से लगा देता है। चलो बाकी भाई फ़ोन बढ़िया है, और 700 रुपये का भाई अभी एक बार फ्लिपकार्ट बात करता हूँ और आपको अपडेट करता हूँ 700 रुपये भाई मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो गाइज आ गया था मैं, रात के हो गए 8:30। बाकी भाई बढ़िया अपना 5G वगैरह चल रहा है, मैंने इस पे पीछे लैमिनेशन भी करा दी, वैसे तो वीगन लेदर है इस पे, बट फिर भी भाई मैंने क्योंकि साइडें वगैरह पूरी प्रॉपर कवर हो जाती है उसमें, ठीक है। और आगे भाई टेम्पर लगवा दिया उसमें 11D वाला, बिल्कुल नॉक टू नॉक वाला जो रहता है। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है भाई, बैटरी बैकअप वगैरह भी मुझे इसका ठीक लग रहा है, क्योंकि हॉटस्पॉट वगैरह ले रखा है मैंने, प्रॉपर 5G आ रहा है देखो जियो का, ठीक है भाई। तो भाई अगर मैं इसका जो लिंक है भाई वो अपने डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगा, अगर किसी भाई को चाहिए होगा भाई फ़ोन, क्योंकि इस फ़ोन पे जो ये सेलर है वो काफ़ी अच्छे एक्सचेंज पे मतलब वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। फ़ोन तो आपका कम में लगाएगा लेकिन एक्सचेंज जो बोनस लगा रहा है भाई वो काफ़ी अच्छा लगा रहा है, और बाकी क्रेडिट कार्ड वगैरह का भी भाई ऑफर है देख लेना, अगर किसी को क्रेडिट कार्ड का ऑफर लगाना हो तो भाई क्रेडिट कार्ड का लगेगा, और किसी को एक्सचेंज लगाना हो तो एक्सचेंज लगेगा भाई, दोनों चीज़ एक साथ नहीं लगती। मैं भी पहले ट्राई कर रहा था तो मेरी लग नहीं पाई, तो किसी को अगर इसकी ज़रूरत होगी फ़ोन की सारी स्पेसिफिकेशन में मेंशन कर दूंगा। तो भाई कोई भी पुराना फ़ोन हो बस वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, काफ़ी अच्छी वैल्यू आपको ये प्रोवाइड कर देगा मेरे कहने से। भाई आप एक बार ये फ़ोन जरूर बाय करना, मतलब मर्जी आपकी करना है मत करना, लेकिन काफ़ी अच्छा फ़ोन है भाई इस रेट में। तो भाई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, और वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और भाई कमेंट कर देना फ़ोन कैसा लगा आपको, ठीक है। और चेक कर लेना भाई फ्लिपकार्ट का।